एक गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ी मैं अपने गार्नियर क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी, जहाँ मैं बात करी गार्नियर लाइट क्रीम की, जो कि आती है SPF 90 PA++ के साथ। फ्रेंड्स, ये एक सीरम क्रीम है बिकॉज इसमें लेमन होता है एंड लेमन में विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने इस क्रीम का काफ़ी टाइम से ऐड देख रही थी, तो मैंने इस क्रीम को परचेज कर लिया था। तो आज मेरा जो भी इस क्रीम के साथ एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ इस तरह की डिब्बी में आती है क्रीम। इसमें एक कारपेट वाली आउटर पैकेजिंग थी, जो कि क्योंकि मैं इस क्रीम को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो वो अभी मेरे पास नहीं है, बस ये डिब्बी ही मेरे पास बची है। बात करें इसकी बॉडी की, तो प्लास्टिक की बॉडी, ऐसा लग रहा है कि ग्लास की बॉडी, बट ये प्लास्टिक की बॉडी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो 165 इसमें प्राइस मेंशन की गई है एंड ये मुझे 165 में ही मिली है, क्योंकि मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज़ किया था एंड 2 ईयर की सेल्फ लाइफ के साथ आती है एंड जो इसकी नेट क्वांटिटी है वो 45 ग्राम। सो फ्रेंड, ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये क्रीम आपकी स्किन को 3 टोन लाइट बनाती है, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस क्रीम को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड देन जब हम आफ्टर फेस वॉश से अपने फेस में अप्लाई करते हैं, तो ये 1 टोन हमारी फेस को लाइट बना देती है, इतना होता है। बट जो वो वाइटनिंग आती है फेस में, वो टेम्प्रेरी वाइटनिंग होती है, परमानेंटली हमारी स्किन को वाइट नहीं बनाती है। तो चलिए मैं आपको इस क्रीम का टेक्सचर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस क्रीम को ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया, बस इसमें थोड़ी सी ही बची हुई है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है, ऑफ वाइट कलर में होती है ये क्रीम एंड काफ़ी थिक क्रीम रहती है। एंड जब भी हम इसको अपनी स्किन में अप्लाई करते हैं, तो ये इसको हमें 2 से 3 मिनट अपने फेस में मसाज करनी पड़ेगी एंड आफ्टर मसाज ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गई है एंड थोड़ी सी लाइटनिंग भी दिख रही है। तो फ्रेंड, गार्नियर के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, फेस वॉश एंड क्रीम वगैरह, उनके बारे में काफ़ी सुना था मैंने, इसलिए मैंने इस क्रीम को परचेज़ किया था। तो मुझे ये क्रीम ठीक लगी है, जैसे ही नॉर्मल और क्रीम होती है उन्हीं की तरह है ये क्रीम। एंड विंटर्स के लिए अच्छी है क्रीम, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है। जैसे ही अपने फेस में अप्लाई करते हैं, तो स्किन में ऐसा लगता है जैसे, मतलब बहुत ही इजीली हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई क्रीम यूज़ की है। एंड जो दूसरी चीज़ है इसमें अच्छी, वो ये है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड बिकॉज विटामिन सी है इसमें, तो थोड़ी तो इफेक्ट करेगी हमारी स्किन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे, तो जो भी आपके अगर फेस में कोई प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है वो धीरे धीरे फेड हो, बिकॉज मेरी स्किन में, मेरे फेस में डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे ये नहीं पता लग पाया कि डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को रिमूव करती है या नहीं, बट हाँ, स्किन को लाइट बनाती है, 1 टोन स्किन को लाइट बनाती है। अगर आप इस क्रीम को अप्लाई करते हो, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कोई क्रीम अप्लाई की है, एकदम बहुत ही सिंपल एंड मैट लुक दिखता है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी क्रीम है एंड काफ़ी अफोर्डेबल तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है, तो आप एक आध डिब्बी ऐसी लेके ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की है ये क्रीम, मुझे काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको ये क्रीम परचेज़ करना है, तो आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, आप इस क्रीम को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये क्रीम परचेज़ करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। मेक श्योर वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।